Hello to one and all. Let us start the another tutorial on differentiation. As I said in the previous tutorial, I will discuss few more questions on these type of questions in which we have to prove, right? So let us start with these type of questions. These are very important question from CBSE board point of view. As you see in the first question, it is given that y equal to sine log x, and we have to prove that x square y double dash plus x y dash plus y equal to 0. Then how can we start these type of questions? जैसे हमने बेटा लास्ट क्लास में किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द डेरिवेटिव फर्स्ट. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स विल बी कॉस लॉग एक्स, एंड वी अप्लाई द चेन रूल, देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विच इज 1 बाई एक्स. और मैंने आपको बताया था बेटा, हिंट मिलेगा यहाँ पे, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में आती है उसका स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो वी विल टेक दिस एक्स टू दैट साइड. और फिर इसके बाद ये बन जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, राइट? नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. व्हाट विल हैपन, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव वाई डैश इज वाई डबल डैश, क्योंकि प्रोडक्ट टू लगेगा, देन वाई डैश एज इट इज डेरिवेटिव एक्स इज 1, एंड हेयर वी हैव माइनस साइन लॉग एक्स, क्योंकि कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स, तो एक्स को तो ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, और इधर बन गया ये वाई, क्योंकि साइन लॉग एक्स जो है हमारा वाई है, इस वाई को भी उधर ले जाएंगे, तो हमारे को जो चीज़ जो हमें प्रूव करना था रिजल्ट, वो आप देखेंगे तो प्रूव हो रहा है, एंड हेयर इज द रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट आ गया, राइट? तो यही हमें प्रूव करना था. ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं. नाउ वी हैव वाई इक्वल टू ई रेज़ पावर टैन इनवर्स ऑफ एक्स, सेम लॉजिक बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द डेरिवेटिव फर्स्ट, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो ई रेज़ पावर टैन इनवर्स एक्स आ जाएगा, and then we have to take the derivative of tan inverse of x which is 1 by 1 plus x square, तो 1 plus x square आ रहा है, तो इस 1 plus x square को उधर ले जाएंगे, तो आपके साथ आ जाएगा dy by dx into 1 plus x square, और dy by dx को मैं y dash लिख देता हूँ, right? और ये बन जाएगा e raised to the power tan inverse of x. Let us say this is equation 1, right? इसको आप y भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो इसको y लिख देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई. नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट टू लगेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y डैश इज y डबल डैश, देन y डैश एज इट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x और 1 का 0, और इधर भी y डैश का y का डेरिवेटिव y डैश, तो y डैश को हम इधर ले आते हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल डैश, देन y डैश कॉमन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड हेयर द डिजायर रिजल्ट, यही हमें प्रूव करना था, देख सकते हैं बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये. आई होप आप इसको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब बेटा पिछला वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, मैंने क्या किया इसके अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ रीअरेंज कर दिया. अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स दे रखा है वाई की टर्म में, तो हम क्या करेंगे, पहले ना यहाँ से वाई निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे, टैन को उधर ले जाते हैं, तो बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 1 बाय ए लॉग वाई, फिर ए को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग वाई ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर y क्या हो जाएगा, log का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू द पावर a tan इनवर्स ऑफ x. तो ये बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, पिछले वाले में e tan इनवर्स x था, यहाँ a tan इनवर्स x है. तो डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ a tan इनवर्स ऑफ x, तो a एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर का उस साइड ले जाएंगे, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, और ए एज इट इज रख के ई टैन एक्स को हम लिख देते हैं वाई, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव वाई डैश इज वाई डबल डैश, देन वाई डैश एज इट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x,
और इधर आ जाएगा ए एज इट इज़ वाई का वाई डैश। तो वाई डैश को इसके साथ ले जाते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, और फिर हम यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा टू एक्स माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, और ये आपका डिज़ायर रिजल्ट हो गया, राइट। तो सारे क्वेश्चन सिमिलर लग रहे हैं आपको, बिल्कुल सेम वे में हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलें, आई होप आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई जो है वो है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो पहला हमारा काम तो होता है डेरिवेटिव लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। लॉग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एंगल, तो वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। नाउ बाय चेन रूल वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव एंगल। अब हमें डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स, टू से टू कट गया, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और नीचे रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डैश इक्वल टू वन, राइट। यही करते हैं ना हम, पहली डेरिवेटिव लेके उसको फिर रीअरेंज कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन, तो ये जो आपके पास इक्वेशन आए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, डेरिवेटिव वाई डैश इज वाई डबल डैश, देन वाई डैश एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स और इक्वल टू ज़ीरो, टू से टू कट गया, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम मतलब हम इसको क्या करते हैं रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन साथ में वाई डबल डैश प्लस यहाँ पर ये टर्म इसे कट जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यही प्रूव करना था, देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे सिर्फ होल स्क्वायर आ गया है हमारा, ये इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा टू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, और फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे इसके अंदर वाले टर्म का, तो किसका लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे भाई, वन अपॉन एंगल एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इसके एंगल पे जाएंगे, तो जैसे हमने पीछे किया था तो एक्स का डेरिवेटिव वन रूट का हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स, ये टू टू से कट जाएगा, तो आपके पास वाई डैश क्या आ जाएगा, देखिए टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम लेके ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट में प्लस एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टर्म कट जाएगी पूरी और ये रूट वाली टर्म उतले जाएंगे, तो आपके साथ आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई डैश इक्वल टू टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। यही करते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड्स में आए हुए हैं तो इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बेटा। अब इसको दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, इसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज वाई डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स, और इधर आएगा टू, और लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो अभी मैंने इससे पीछे किया था ना, तो बिल्कुल वो इससे है, सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट से जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरी क्वेश्चन को तो क्या होगा, यानी इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर रूट में और रूट में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डबल डैश, ये टर्म कट जाएगी यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई डैश, और इस साइड ये कट जाएगा तो टू, और इस साइड ले आएंगे तो माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी ईजिली आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो दिखने में सिर्फ टकी क्वेश्चन है बेटा, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था हम डायरेक्ट रिजल्ट फर्स्ट डेरिवेटिव लेके ही रिजल्ट बनाएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे।
इसमें भी लेते हैं बेटा ई का नेटिव क्या आएगा, ये आपकी ना एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो ई ए कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, फिर ए कॉस इनवर्स एक्स का माइ ए एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स का नेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। क्या करते हैं हम, वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो रूट को ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब इस इक्वेशन को दोबारा डेरेटिव लेते हैं, आप चाहो तो इसको वाई लिख सकते हो नहीं तो बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो इसको डेरेटिव लेते हैं तो वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई डैश का वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज रूट में इसका डेरेटिव हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स। इधर होगा ई का डेरेटिव खुद आएगा, फिर ए कॉस इनवर्स एक्स का ए अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेम अप्रोच चल रही है आप देख सकते हैं, फिर हम वन माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे रूट में, तो ये रूट से रूट कट जाएगा तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा मतलब रूट इंटू रूट एक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया ये। और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स वाई डैश, और ये हो जाएगा ए इंटू ए नेगेटिव नेगेटिव प्लस ए स्क्वायर, और ये वाई, ये हो जाएगा वाई, तो ए स्क्वायर वाई। इसको उधर ले जाते हैं तो देखिए अपने आप रिजल्ट आएंगे, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुके हैं और बहुत ईजी होते हैं, फोर मार्कर आएंगे आपको बोर्ड्स में, और कुछ भी नहीं करना। देखिए फोर स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी पहले क्या करता हूँ, मैं ऑलरेडी ये दे रखा है ना तो पहले ही इसको ले जाता हूँ। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्वेश्चन टू लगाने से अच्छा पहले उसको ले गए बेटा। अब इसका डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई का वाई डैश, फिर वाई एज इट इज़ रूट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, और साइन का आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे हम, रूट वाले टर्म को ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस, ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश, उसके बाद ये आ जाएगा एक्स वाई, उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास वन। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा डेरिवेटिव ले लो तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज़ इसका माइनस टू एक्स, और एक्स वाई को भी ऐसे नहीं छोड़ना, इसमें भी बेटा प्रोडक्ट लगेगा, एक्स एज इट इज़ वाई का वाई डैश, और फिर वाई एज इट इज़ एक्स क्रेटिव वन और इक्वल टू ज़ीरो। तो अब अपने आप देख लेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश ये रहा, माइनस टू एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस थ्री एक्स वाई डैश हो गया, और माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपका आंसर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही सिमिलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी सिमिलर दिख रहा है, अभी हमने क्वेश्चन किया ऐसा बिल्कुल, तो लेते हैं बिल्कुल रिपीटेड है बेटा ये तो ना, जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फिर हम एम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एम एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, वन माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू एम आपके पास हो गया ई की पावर एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका तो ये आ जाएगा आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, और इधर हो जाएगा एम ई की पावर एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव खुद ही रहता है, फिर एम अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, सेम अप्रोच, वी विल मल्टीप्लाई, हम इसको कह सकते हैं वी विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एलसीएम लेने, एक ही बात कह रहा हूँ मैं। तो अगर मैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ये बन जाएगा एक्स वाई डैश, और इधर आ जाएगा एम स्क्वायर और ई रेस पावर एम साइन एक्स को वाई लिख देंगे, ठीक है। और ये आपको प्रूव हो जाएगा, देख लिखते हैं कि आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सारे बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो मैं आपसे सिर्फ बोर्ड्स वाले क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डी वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर उसके बाद एम
साइन एस एक्स स्क्वायर टी, तो एम एज इट इज साइन एस एक्स स्क्वायर टी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको उधर ले जाते हैं तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू एम कॉस एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट लगेगा लेफ्ट साइड पे, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में एज इट इज वाई डैश का वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज और रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ द टर्म इन साइड द स्क्वायर रूट यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी जीरो माइनस टू एक्स। इधर आ जाएगा माइनस एम क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, और फिर एम साइन एस एक्स क्रेटिव लेंगे तो एम और साइन एस एक्स क्रेटिव हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा और फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी क्वेश्चन को रूट में, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, और इधर आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई क्योंकि ये तो उधर चला गया और ये वाई बन गया, और एम स्क्वायर वाई को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। बोर्ड्स में आया था तो कुछ बच्चों को गलत हुआ था, उनको लगा पैरामेट्रिक फॉर्म है, कई बच्चों ने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कर दिया, कर सकते हैं बट उस केस में फिर आपको पुट करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में पैरामेट्रिक फॉर्म के बिना भी कर सकते हैं। देखो कैसे, एक्स टी की टर्म में दिया हो वाई टी की टर्म में दिया हो तो मैं क्या करूँगा, वाई है हमारा साइन पी टी, तो यहाँ से ना हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू पी टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप देखो ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन बन गया, सर यहाँ पे एम साइन ऑफ एक्स था और यहाँ पे आपका पी साइन ऑफ एक्स है, बाकी सब कुछ सही है। देख लो रिजल्ट, देख लो आप वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी एम और पी बराबर हो गए। सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो क्या करें यहाँ पे, तो लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा आपने ये दो टर्म मानी जाएंगी क्योंकि एक रूट के बाहर है, तो प्रोडक्ट रूल ई एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज ई एक्स क्रेडिटिव ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ई एक्स कॉमन लेंगे और ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो आ जाएगा टू कॉस एक्स। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं वाई डबल डैश, क्या आ जाएगा ई एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स एज इट इज ई एक्स क्रेडिटिव ई एक्स। अब हमें क्या करना है, देखें यहाँ पे हमें ना माइनस टू वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश हमारे पास क्या है टू एक्स ई एक्स, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस वाले केस में इसको लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स कॉस एक्स माइनस टू ई एक्स साइन एक्स। ठीक है, देख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब उसके बाद क्या करें, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपने अब ये बदलेगा तो ये आ जाएगा, ये ध्यान से देखें तो क्या है हमारे पास ना वाई डैश टू ई एक्स कॉस एक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ना यहाँ पे इसको दो ई एक्स कॉस एक्स ऐड कर देता हूँ, और ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, तो ये टर्म बन गई हमारी टू टाइम्स वाई डैश, और इसमें से टू कॉमन ले लोगे तो ई एक्स साइन एक्स ई एक्स कॉस एक्स बन जाएगा वाई, और सबको एक साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल जीरो। तो कई बार हमें ऐसे मैनिपुलेट भी करना पड़ता है क्वेश्चंस को अरेंज करके, अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करें ना इस स्टेप जो मैंने किया है, तो आप कुछ नहीं करना, आप सीधा वैल्यू पुट कर देना वाई डैश की वाई डबल डैश की और वाई की, और फिर अपने आप ही जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ई एक्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स, प्रोडक्ट लगेगा क्लियरली, तो ई एक्स एज इट इज टैन का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर टैन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते पूरी क्वेश्चन को, क्यों कर रहे हैं क्योंकि तो देखिए यहाँ से इंट मिलेगा हमें कि वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है वाई डैश के साथ वाई डबल डैश के साथ, यहाँ बचेगा ई एक्स, यहाँ बचेगा ई एक्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे वाई,
तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल वाई डैश इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा डेरिवेटिव ले लो इस इक्वेशन का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डैश का वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इधर ई एक्स क्रिएटिव ई एक्स, या फिर से प्रोडक्ट रूल वाई डैश एज इट इज वाई का वाई डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर वाई एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। अब हमें प्रूफ जो करना है उसमें ई एक्स नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा इस ई एक्स की जगह रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं ई एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्या रहा है, हमें प्रूव करना था, वो आ गया कि नहीं आ गया। क्या क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ये रहा अपने भी आएगा आंसर, और वाई डैश इसमें से आ रहा है 2x, ये टर्म में से आ रहा है और इसमें से आ रहा है, तो इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो माइनस 2 क्योंकि 1 और 1 2 और एक्स स्क्वायर 2 तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले टर्म को इधर साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, और ये टर्म भी है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। क्लियर है ना कि ये वाली नेगेटिव टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी, तो बस हमारा आंसर आ गया देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ये रहा, फिर उसके बाद नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं क्योंकि किसी ने लिया वो उस वैसे ही बनाने के लिए, तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, और ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो आपको पुट करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टिव लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दीजिए, बस दो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन हो रहा है फिर उसके बाद ये ओवर करेंगे, सारे हम बोर्ड से वाले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसका डायरेक्टिव लेते हैं तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स और फिर साइन इनवर्स एक्स क्रिएटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लॉजिक है पता है ना आपको, 1 माइनस एक्स को रूट में उसको उधर ले जाएंगे ऑफ, अब इसमें क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, राइट प्रोडक्ट रूल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज रूट में रूट एक्स क्रिएटिव हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब उधर ले जाओगे बेटा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई डैश क्योंकि ये टर्म कट जाएगी और राइट साइड पर आ जाएगा 2 एंड हियर इज द रिजल्ट। तो आफ्टर डूइंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इतने सारे हम क्वेश्चन सेम पैटर्न के करके आपको लग रहा होगा सारे के सारे बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर के सारे डिस्कस कर लिए आपसे, तो अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी होता है चेंज होता है तो आप इजीली कर सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 2 सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर सेक इनवर्स का डेरिवेटिव पता है वो क्या होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, उधर ले जाते हैं और अब इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या आएगा देखिए, वाई डैश अब इसको एज इट इज रखेंगे, वाई डैश का वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ फिर से प्रोडक्ट लगेगा एक्स एज इट इज रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, फिर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, और राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे आएगा 2 एज इट इज सेक इनवर्स का डेरिवेटिव एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो देखते क्या बचता है, जब इधर लाएंगे तो ये बचेगा वाई डबल डैश एक्स का एक्स स्क्वायर रूट से रूट कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ये टर्म आ गई। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डैश एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन से रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कट जाएगा और एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था तो बन जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स, और जो उधर टू था वो इधर जाके माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आप देखो वही प्रूव हो गया, ये रिजल्ट आया, ये रहा, ये एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ले सकते हैं टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड हियर इज द रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्यूटोरियल। बिल्कुल सेम अप्रोच है बेटा, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग, तो लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट टू लगेगा, यहाँ पे ना सेकंड डेरिवेटिव नहीं है इस, बट ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल सेम पैटर्न था इसलिए मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है आपने, तो वाई एज इट इज़ रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर टू एक्स हो जाएगा ये, और फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ वाई का वाई डैश, और लॉग का कैसे करेंगे याद है आपको, वन अपॉन एंगल इनटू फिर इसके रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा देखें, वाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन यह आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और यह आ जाएगा एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये टर्म इसे कटेगी तो माइनस साइन दे देगा, तो क्या बचा आपके पास, बस ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है ये क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे ना बेटा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को इधर ले आएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा वाई एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डैश, और इस साइड तो ये टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है, उधर बचेगा सिर्फ माइनस वन, माइनस वन को भी इधर ले आते हैं तो वाई एक्स प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड यू कैन सी दैट दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव। तो राइट, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इन विच वी हैव टू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन रीअरेंज द टर्म एंड देन टेक द सेकंड डेरिवेटिव। तो इस टाइप क्वेश्चंस को हमें पुट करके देखना नहीं होता, ठीक है ना बेटा, पुट करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा बट थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें मास्टरी कर लें तो यू आर परफेक्ट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी प्रैक्टिस करेगा, ऑल द वेरी बेस्ट। चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो इस साल का जो कोर्स है उसमें रोज सर ओवर मीन वाले थ्योरम डिलीटेड है, तो वो देखा जाए तो हमारा कोर्स में नहीं है, तो कोर्स अवेलेबल जो है जितना है लिमिटेड उतना हम कर चुके हैं और वो सारा कंप्लीट है, यानी डिफरेंशिएट चैप्टर ओवर हो चुका है, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने के बाद रोज सर भी डिस्कस करूँगा बिकॉज आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।